कमलनाथ जी की सरकार को गिराने में प्रधानमंत्री जी का हाथ था। कितने गर्व की बात है ना, बड़े ही गर्व की बात है। मुझे वो याद आ गया जब राम माधव ने कहा था कर्नाटका के बारे में कि हमारे पास अमित शाह है, मतलब सरकार में कोई भी बहुमत में हो हमारे पास अमित शाह है, वो हमारी सरकार बनवा देंगे। मतलब साम दाम दंड भेद, गलत करे सही करे, चोरी करें डकैती डालें जो भी करें, मगर कर लेंगे क्योंकि सत्ता में आना है, सत्ता लोलुपता इसे कहते हैं। अब सुनिए कि कमलनाथ जी की सरकार को गिराने के बारे में कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, सुन लीजिए आप इनकी बात। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का हाथ है उनकी सरकार को गिराने में। इसका मतलब समझते हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ये केवल सत्ता में बने रहने की बात करते हैं। और जो अंधभक्त इस बात को नहीं समझते हैं वो अपनी आंखें खोले। आप कहते हैं इन्हें किसी चीज का लालच नहीं, तो सत्ता का लालच क्यों है भाई? और जब तक कमलनाथ जी की सरकार थी एक दिन चैन से नहीं सोने दिया। यदि ऐसा कोई कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का जिसको कमलनाथ जी को सपने में भी जो दिखाई देता था, वो नरोत्तम मिश्रा जी थे। तालियां बजा के नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत करें। ये पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूं, आप किसी को बताना मत। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच में बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। पर किसी को बताना मत ये बात, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई है।